ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अजाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। वैसे मुझे भी गाड़ियां बड़ी पसंद है। तुम्हें याद है इस तरह की निकाह पे जब हम गए थे, मैंने तो मशवरा दिया था कि गाड़ी ले लें। हो सकता है उसी बात को याद रख के उन्होंने गाड़ी ले रहे हैं। हाँ हो सकता है, पर खाला बता रही थी कि फैसल के बिजनेस पार्टनर ने इसलिए कहा है ताकि खाला को आने जाने में आसानी हो। खाला ने कहाँ जाना है? पता नहीं, वो तो बस कह रही थी। चलो भाई मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी होने वाली सास के लिए गाड़ी ले रहा है तुम्हारा होने वाला शौहर। वैसे ऐसी तैयारियां तो मैंने पहली बार सुनी है। गाड़ी? हाँ आज खाला बता कर गए हैं। वो कैसे ले है? वो फैसल के बिजनेस पार्टनर्स है ना, उन्होंने इजाजत दे दिया गाड़ी खरीदने की। अच्छा मैं तो मुझे भी गाड़ी खरीद पसंद है। तुम्हें यार इस तरह की निकाह जब हम गए थे, मैंने तो मशवरा दिया कि गाड़ी ले लें। Can you imagine? वो इतना खड़ूस प्रोफेसर था कि जब भी वो क्लास में आता ना, swear to God मुझे पाकिस्तान याद आता था। मेरे प्रोफेसर ज़्यादा खड़ूस नहीं हैं। चल ना तेरी कहानियाँ बस। Yeah whatever, तुम्हें क्या पता? ये सुमन को क्या हुआ आज? आज तुम बहुत उदास लग रही हो। मैं नहीं नहीं तो actually मैंने भी नोटिस किया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो यार? मैं तुम दोनों की बातें सुन रही हूँ। बहुत सुन चुकी हो तुम हमारी बातें, अब आप भी बातें करें ताकि हम आपको सुन सके। भाई सब कुछ नहीं, ये किसका फोन आ रहा है? एक्सक्यूज मी गाइस। हेलो फरीमा। हाँ आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? Yes, sure. Thank you. आज आपको किस शॉपिंग सेंटर पे ड्रॉप करना है? क्यों? हमेशा किसी ना किसी शॉपिंग सेंटर पे ड्रॉप करने कहती है ना। नहीं आज मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ आपके साथ। What? क्यों? इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत? हाँ अगर आप नहीं खिलाना चाहते तो ये एक और बात है। Oh, no, no. You're most welcome. तो फिर कहाँ चलना पसंद करेंगी आप? जहाँ आपको पसंद हो। Wow. Okay. It's amazing. Kya? Nothing. Main janti hu aap kya kehna chahte hain. Kya? Jab aap khud hi nahi bata rahe to tabhi kyun batau? That makes sense. I like that. It's just mujhe hairangi ho rahi hai ki aaj aapko mere sath coffee peene ka khayal kaise aa gaya. You know, it's one of my lucky days. I know.
अच्छा नहीं लगता कि एक लड़की खुद से कॉफी के लिए कहे। नो 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 प्लीज प्लीज डोंट से दैट। मैं इस किस्म की बातों में बिलीव नहीं करता हूँ। यू नो कोई भी किसी को भी कभी भी इनवाइट कर सकता है। सिंपल एज दैट रियली। मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। यस आप मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा कितना अच्छा? इतने अच्छे जितने आप शैला को भी नहीं लगते हो। मैं समझा नहीं क्या मतलब। This is a joke, right? No, I'm serious. I can't believe this. Thank you. It's just... जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। आलू? हाँ चलो कोई बात नहीं, आज वो भी खा लेंगे। ये मोज़ा कैसे हो गया? बस हो गया। तुम जरूरत से ज्यादा खुश लग रही हो, क्या बात है? वो तो हूँ। बताओगी? नहीं जरूरत पड़ी तो बता दूंगी। वैसे तुम राज नहीं रख सकती। चैलेंज मत करें हमें। चैलेंज नहीं कर रही, बस जानती हूँ तुम्हें इसलिए कह रही हूँ। इतना भी नहीं जानती आप मुझे। पक जाए तो मुझे बता देना। मूवीज का तो मुझे बहुत शौक है। अच्छा कौन सी वाले देखी? मैं तो हर वीकेंड पे देखती हूँ। अच्छा नहीं सीरियसली। अच्छा सुनो शैला, कल कॉलेज में मिलते हैं। हाँ ओके गुड नाइट बाय बाय। ये किससे बात कर रही थी? शैला से और किससे? रात के इस वक्त यहाँ पर? हाँ रात के इस वक्त यहाँ, क्योंकि अंदर बात करती तो तुम डिस्टर्ब हो जाती। और प्लीज तुम्हें मेरी जासूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान हो गई थी समन तुम्हें कमरे में ना देखकर। बगैर किसी वजह के तुम क्यों परेशान हो जाती हो? आधी रात को मैंने किसी के साथ भागने जाना था। अब क्या है? कोई गलत काम मत करना समन। कैसा गलत काम? कोई भी गलत काम।
एक इज्जत ही तो है हमारे पास, वो चले गई ना तो सब चला जाएगा। मैंने ऐसा कौन सा बेइज्जती वाला काम कर दिया है? बच्ची तो नहीं हूं मैं, अपनी फ्रेंड से बात क्या कर ली, बात को बतंगड़ी बना दिया, मुसीबत आ गई है। कहा ना आइंदा नहीं करूंगी, अब सोने दो मुझे। अम्मी, समन के लिए कोई रिश्ता तो ढूंढे। क्या ये तुम्हें अचानक समन का ख्याल कहां से आ गया? आपको भी तो इस तरह के ख्याल आते रहते, आज मुझे आ गया। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते गंवाए हैं इस लड़की ने अपनी सहेलियों के चक्करों में। आज ये सहेली रिश्ता लेके आ रही है, तो कल वो सहेली रिश्ता लेके आ रही है, अब कहाँ चले गए वो सारे डिफेंस और क्लिफ्टन के रिश्ते? इन बातों का कोई फायदा नहीं है अम्मी, आप खाला से बात करें ना, फैसल इतने लोगों को जानता है, उनमें से कोई ना कोई अच्छा रिश्ता तो साबित होगा ना। रिश्ते नसीबों से होते हैं मन, वरना लाख हाथ पांव मारो रिश्ता नहीं मिलता। वैसे भी जितने नखरे इस मैडम के हैं, फैसल का या आपा का लाया हुआ कोई रिश्ता पसंद आएगा उसे? हाँ मुझे लगता है अब आ जाएगा, उसकी सारी सहेलियों की मंगनियां हो रही हैं, अब तो समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं बात करूंगी आपा से, वो तो वैसे ही बेचारी इसके लिए रिश्ते ढूंढती रहती हैं, फिर भी मैं कह दूंगी उसे। अच्छा मंगनी का कोई फंक्शन वगैरह करवाओ, बस एक शादी की अंगूठी बनाई थी तुम्हारी ससुराल वालों ने। फंक्शन तो बस अब एक ही होगा, शादी का। यार ये लंबे चौड़े मंगनी के फंक्शंस मुझे समझ में नहीं आते। अच्छा अब सादगी पर लेक्चर मत देना, 900 चूहे खाकर मिल्ली हज को निकली। मैं तुम्हें सादगी पर कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बस अपनी पसंद नापसंद का बता रही हूँ। समर तुम भी कोई मंगनी वगैरह करवाओ ना, तकरीबन सारी फ्रेंड्स नहीं करवा ली। इससे कुछ मत पूछो भाई, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर चुकी है हमने कजिन की सूरत में। उससे भी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने मिस की है। ये कौन सी कजिन की बात कर रही हो? वही जिससे शादी की बात चली थी। हाँ और अब समन की बहन की मंगनी हो चुकी है उसके साथ। तो अब तो उसका बहनों ही हो गया, अब पछताने का क्या फायदा? मैं क्यों पछताऊंगी? मुझे लगा पछता रही हो। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मेरे आइडियल जैसा है ही नहीं। ये आइडियल वगैरह ना कुछ भी नहीं होते, जिंदगी की रियलिटीज कुछ और ही होती है। जिंदगी की रियलिटीज क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, डोंट वरी, फैंटेसीज में नहीं रहती मैं। इसका मतलब ये है कि मैडम बहुत जल्दी हमें खुशखबरी सुनाने वाली है। जरूरी नहीं है अच्छी खबर सबके लिए अच्छी हो। बिरयानी आज कुछ मजे की नहीं है। नहीं क्या अब मैं आजर से कहूं कि वो मेरी कजिन के लिए रिश्ता ढूंढे? अरे भाई इस तरह कहने को थोड़ा ही कह रही हूँ, मैं तो ये सोच रही थी कि अगली बार वो दोनों आए ना तो सालिया से बात करूंगी। अम्मी आप सालिया भाभी से ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। अरे इसमें खराबी क्या है भाई, आखिर अपने बेलजोल वाले लोगों से इस तरह की बातें करते हैं ना, और आजर को तुम कितने सालों से जानते हो? अम्मी किसी को जानने में और किसी से फेवर लेने में बड़ा फर्क होता है, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं हमारी पार्टनरशिप के हुए हुए, और आप ये कह रही हैं कि मैं उससे फेवर ले लूं? अच्छा भाई नहीं करूंगी, बस एक ख्याल आया था मुझे तो तुमसे कह दिया। आफिया भी तो परेशान है समन के रिश्ते के लिए। अम्मी आप खाला जान से कह दें कि उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है कि समन को कोई लड़का पसंद हो, खाला जान का तो मसला हल हो गया ना। समन की पसंद वो इसे अकल छू के नहीं गई, और आफिया करेगी उसकी पसंद की जगह शादी है।
वैसे तुम्हें मुझे ये सब कुछ बहुत पहले बता देना चाहिए था। बस यही गलती की मैंने। मैं सोच नहीं सकता था कि तुम मुझे इतना पसंद करोगी। कोई भी लड़की आपको पसंद कर सकती है। लेकिन मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। शैला से मंगनी का क्या करेंगे आप? यही सोच रहा हूँ कि उस मंगनी का क्या करना है। छोड़ दे उसे। सब इतना आसान नहीं है। क्यों? यार खानदान का मामला है, कजन है वो मेरी। फिर क्या करेंगे? यही तो सोच रहा हूँ कि अब करूँ तो क्या करूँ। जो भी करना जल्दी कीजिए। अम्मी शादी पे बहुत जोर दे रही है। एक दो रिश्ते भी आए हैं मेरे। सुनो, जो भी करना है ना आराम से सोचिए कर लेंगे। ओके, फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि वो वहाँ तक चलते हैं, फिर किसी अच्छी जगह से लंच करते हैं। ओके, कम ऑन। आफिया से बात की है मैंने, वो तो कह रही है कि समन की कोई पसंदीदगी नहीं है कहीं भी। अगर होती तो और किसी को नहीं, एमन को जरूर पता होता। अच्छा, और समन ऐसी लड़की नहीं है। सहेलियों के साथ घूमती फिरती फिराती है, वक्त जाया करती, लेकिन इस तरह के काम नहीं कर सकती वो। ठीक है, वो अभी मेरे दोस्त के घर वाले अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैं उनसे बात करूं। लड़का अच्छा है? हाँ, मैं पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, दो ही बेटे हैं और दोनों बिजनेसमैन हैं। और समन को तो लोग देखते ही पसंद कर लेते हैं, कम से कम लड़की की पसंद का मसला तो कोई नहीं होगा। बस लालची ना हो वो लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल भी लालची नहीं है। अच्छा, बल्कि बड़े पैसे वाले लोग हैं, सुनने तो एक खूबसूरत लड़की चाहिए। चलो फिर आफिया से बात करूंगी मैं। हर बात एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होती, और वैसे भी मुझे वजह बताने की आदत नहीं है। क्या हमारे दरमियान कोई मामूली बात है? तुम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकती। ये जरा टीवी आहिस्ता करना। सायरा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने घर में जन्म लेने वाली एक बात से परेशान हो। कल कुछ लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने। क्यों? रिश्ते वाले। कौन लोग हैं? फैसल के जानने वाले हैं कोई। फैसल को किसने कहा कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढता फिरे? अम्मी ने खाला से कहा था, तो जाहिर है खाला ने ही कहा होगा फैसल से। कोई ज़रूरत नहीं किसी से मेरे रिश्ते की बात करने की, और मुझे जब शादी करनी होगी मैं कर लूँगी। कभी कभी तुम इतनी बचकाना बातें करती हो समान। इसमें बचकाना वाली क्या बात है, तुमने भी तो एमए किया था, उसके बाद मंगनी की थी, तो मैं भी कम अज़ कम मास्टर्स तो ज़रूर करूँगी। मेरी बात कुछ और थी। क्यों, क्या और बात है तुम्हारी? तुम मुझसे ज्यादा हसीन और जहीन नहीं हो, इसलिए। मैंने ये कब कहा? मेरी दफा में अम्मी को मेरी तरफ से तसल्ली थी, उन्हें पता था कि किसी भी वक्त फैसल के साथ शादी हो सकती है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, इसीलिए तो उन्होंने मुझे मास्टर्स करने दिया, वरना क्यों करने देती। और फैसल ने आखिर में मेरे बारे में कह दिया, तो गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती आजकल। अच्छा फिर मैं क्या कहूँ अम्मी को? वही सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है, मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी, और जब मुझे शादी करनी होगी ना, अच्छा रिश्ता भी आ जाएगा और लड़का भी। अब प्लीज मुझे ड्रामा देखने दो।
जरा आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता चलाओ। आहिस्ता ही तो चला रहा हूँ, अभी तो मेन रोड पर भी नहीं आया हूँ। नई नई गाड़ी चलानी सीखी है ना तुमने, इसीलिए जरा एहतियात बेहतर है। जी अच्छा। भाई मेहरबानी है आज़र की के इतनी अच्छी गाड़ी दी तुम्हें। आप तो हर बात पे अब आज़र ही को याद करती हैं। एहसान किया उसने, तो एहसान को तो मानना चाहिए ना। तो मान तो रहा हूँ उसका एहसान में। अच्छा ऐसे करते हैं कि आफिया की तरफ से होते चलते हैं। अम्मी अब मैं वापस नहीं मुड़ रहा। अरे एमन को भी साथ ले लेंगे ना। मैं फिर भी गाड़ी वापस नहीं मुड़ूंगा, बस कल चले। अरे बड़ी खुश होगी वो तुम्हें गाड़ी चलाता हुआ देख के। कौन कौन? एमन की बात कर रही हूँ मैं। जब मैं समझा आप खाला जान की बात कर रही हूँ। ज्यादा समझदार बनने की कोशिश ना करो। आपा मैं आपको बता नहीं सकती फैसल की गाड़ी का सुन के मुझे कितनी खुशी हुई है। मैंने कल ही फैसल से कहा कि चलो चलते हैं खाला की तरफ गाड़ी दिखा कर आते हैं, पर वो कहने लगा नहीं अम्मी एक दिन प्रोग्राम बनाएंगे फिर सबको मैं समुंदर लेके जाऊंगा। मैं खुद आपके घर आऊंगी आपा मुबारकबाद देने के लिए। अल्लाह उसे तरक्की दे, कामयाबियां दे, रिस्क में बरकत दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला ऐसी सादतमंद औलाद हर एक को नसीब करे। आमीन। बस अब समन के लिए भी मुझे ऐसा ही दामाद मिल जाए तो मेरी तो सारी परेशानी दूर हो जाए। लो फैसल ने अपने दोस्त के भाई के लिए रिश्ते का कहा तो था, तुमने खुद इनकार कर दिया था। फैसल कह रहा था बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा खानदान है उनका। हाँ बस वो आपा समन की तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए मैंने मना कर दिया था। अब कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, कॉलेज गई हुई है। लो मैं भी चाय के लिए कहने ही वाली थी तुम्हें। कहने की क्या जरूरत है भाई, आपकी बहू को अच्छी तरह से याद है कि आपको इसके हाथ की बनी हुई चाय पसंद है। हाँ भाई बहू को तो याद रहना है, बस एक बहन को ख्याल नहीं आता हमारा। बेटा ये जरा मिठाई की तो प्लेट में डाल के ले आओ। जी अच्छा। मेरे लिए ना बनाना यार। क्यों? मैं अपने दोस्तों के साथ खाकर आई हूँ खाना। समन एक तो तुम हर रोज किसी ना किसी के घर से कुछ ना कुछ खाकर आ जाती हो। अच्छा ही खाकर आती हूँ, ये घर में जो आलू टींडे बने होते हैं ना इनसे तो बहुत बेहतर है। अच्छा अगर तुम्हारा मिठाई खाने का दिल चाह रहे ना तो फ्रिज में रखी है, खा लो। मिठाई किस खुशी में? खाला लेकर आई है। आहा एक तो जब से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ ना खाला हर रोज कुछ ना कुछ लेकर आती है। ऐसे ही किस लिए? वो फैसल ने गाड़ी ले लिया ना। ओ कब? कल। मुबारक हो। खैर मुबारक। अब पता है वो ड्राइविंग भी सीख रहा है। सेकंड हैंड लिए? हाँ पर खाला कह रही थी कि है बहुत अच्छी। कौन सा मॉडल है? ये नहीं पूछा मैंने। छोटी ही होगी भाई मुझे नहीं पता, पर खाला कह रही थी कि इस वीकेंड पर फैसल हम सबको पिकनिक पर लेकर जाएगा, फिर देख लेना तुम। मैं कौन सा पहली बार गाड़ी देखूंगी, मेरी दोस्तों के भाई ये बड़ी बड़ी लेटेस्ट गाड़ी है जिसपे मुझे ड्रॉप देती है। तो होंगी लेकिन ये तो मेरी है ना, जैसी भी है चाहे छोटी हो सेकेंड हैंड हो है तो अपनी। ये बताओ तुम चाय पियोगी? बना दूं? नहीं मुझे नहीं पीनी है।
हेलो हेलो जी कौन? ये रसल भाई का नंबर नहीं है? जी उनका ही नंबर है लेकिन वो इस वक्त ऑफिस में नहीं, वो फैक्ट्री ग्राउंड पर गए हुए हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं उन्हें कह दीजिएगा कि बस समन की कॉल थी। ठीक है जी। नी उठ वाले टुर जाएंगे नी उठ वाले टुर जाएंगे फिर लपती फिरेगी हानी नी ससिये। हेलो। हाँ समन, तुमने फोन किया था मुझे, खैरियत तो है ना? हाँ किया था, अब जरूरी तो नहीं कि कोई इमरजेंसी हो तो आपको कॉल की जाए, गपशप लगाने के लिए भी फोन किया जा सकता है, नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। कैसी हो तुम? भाई मैं तो वैसी की वैसी हूँ, लेकिन आप कुछ बदल गए हैं। मैं? वो कैसे? फैक्ट्री शुरू कर ली, गाड़ी ले ली, घर भी शुरू होने वाला है, अब तो आंखें फेरना बनता है आपका। तो होता नहीं हूँ मैं। भाई ये तो अब आप ही जानते हैं आप क्या हैं और क्या नहीं। लगता है कि आज मूड खराब है। आपको कैसे पता? अरे भाई इतने ताने दे रही हो तुम, मूड तो खराब होगा ना। खैर आप पर मेरे तानों का क्या असर होगा, गाड़ी ले ली और कानों कान खबर भी नहीं की। देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, कल गाड़ी ली है और अम्मी आज मिठाई दे के आई है। बल्कि अम्मी का बस चलता ना तो कल ही चल पड़ती रात को तुम्हारी तरफ मिठाई देने के लिए। मिठाई तो वो अपनी बहू को देकर गई है, मुझे तो नहीं। वैसे भी आपको पता है मुझे मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम्हें जो पसंद है वो भेज देता हूँ। भेज देता हूँ मतलब क्या? अब गाड़ी लिए कोई तो फायदा उठाना चाहिए, कहीं बाहर लेके चले ना मुझे। हाँ हाँ ले जाऊंगा, मैं तो पहले ही प्लान कर रहा था कि मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाऊँ। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मुझे कुछ काम है यार। ठीक है। सारे आराम से फिट आ गए इसमें है, वरना रिक्शे और टैक्सियों के पीछे भाग रहे होते। हाँ वाह यही तो फायदा है अपनी गाड़ी का। और देखो फैसल कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा है, लगता ही नहीं है कि इसने नई नई गाड़ी चलाना सीखी है। अरे जान नई नई गाड़ी तो है, जब से गाड़ी आई है जब से चला, कभी फैक्ट्री जाना पड़ रहा है कभी अम्मी के काम से आराम ही नहीं मिल रहा। बेटा फैक्ट्री का काम शुरू किया है, दौड़ धूप तो होगी। अरे फैसल खाला को फैक्ट्री भी दिखा दो। हाँ हाँ मुझे भी दिखाओ ना बेटा। ठीक है खाला जान ले चलता हूँ। शादी हो जाएगी ना आफिया तो मैं पीछे बैठा करूंगी, एमन को आगे बैठाऊंगी। अरे क्यों, आप आगे बैठा कीजिएगा, एमन पीछे बैठ जाया करेगी। पूछ लीजिए कहीं एमन को एतराज ना हो। अरे नहीं नहीं मुझे क्यों एतराज होगा, खाला का जहाँ दिल चाहे वो वहाँ बैठ सकती है। वैसे गाड़ी की इतनी स्पीड भी नहीं है, नहीं?
पुरानी गाड़ी की इतनी स्पीड होती है बीबी? हो सकता है, शायद मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ ऐसी गाड़ी में बैठते। वैसे अगर आपको गाड़ी लेनी थी तो चार पैसे डाल के अच्छी गाड़ी ले लेते ना। क्यों भाई, ये भी तो इतनी अच्छी गाड़ी है, और फिर मेरी अमन के नसीब में होगा तो नई गाड़ी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। नहीं नहीं खाना, पुरानी गाड़ी ठीक है, हाथ साफ होते होते भी तो टाइम लगेगा। जब से फैसल का रिश्ता हुआ है ना, माशाल्लाह, बस समझो कि अल्लाह ताला ने मेरे फैसल का हाथ पकड़ दिया। बस आबा अल्लाह इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन। तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए? अच्छे हुए। रिजल्ट कब आ रहा है? अभी बहुत वक्त है रिजल्ट आने में। हाँ, पहले एग्जाम्स की डेट्स आके पीछे होती रहती हैं और फिर रिजल्ट से कुछ पता ही नहीं होता। मुझे वैसे एक स्कूल से ऑफर है जॉब की, मेरी सहेली है ना उसके अंकल का स्कूल है वो, मैंने सोचा इतने दिन फारिग होंगी घर पर तो जॉब ही कर लूँ। हाँ बिल्कुल कर लो, मगर शादी के बाद तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी, अम्मी बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, फिर मुनासिब नहीं लगता। जी मेरा वैसे भी कोई इरादा नहीं था शादी के बाद जॉब करने का, जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाएंगी मेरी। ये तो तुमने ठीक कहा, वाकई बहुत जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। कोई बात करें? क्या बात करूंगा, ये काम तो लड़कियों का होता है। बात तो ठीक की है आपने, बस आपके सामने मुझे सारी बातें भूल जा रही हैं। क्यों? पता नहीं। फिर ऐसा करो जल्दी से कोई बात याद कर लो। क्या पता याद आ जाए। सोचती हूँ। Thank you.
मेरी अमन के नसीब में होगा तो नई गाड़ी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। जब से फैसल का रिश्ता हुआ ना, अल्लाह ताला ने मेरे फैसल का हाथ पकड़ लिया। बस हवा अल्लाह इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। नहीं बेटा तुम पढ़ाई करो, मैं काट देती हूँ खुद ही। वो आपा फिर रिश्ते की बात कर रही थी, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि हमारी औलाद के तो मिजाज ही शहाना हो गए। पता नहीं कौन सी हवाओं में उड़ रही है ये लड़की। आप खाला से फिर चंद दिन के लिए कोई बहाना कर दें। कितनी बार बहाना करूं बेटा, अच्छे रिश्ते को बार बार तो नहीं मिलते ना। और हमको रईस इब्ने रईस तो है नहीं कि हमारे लिए लोग अपने लड़के बिठा के रखेंगे। इस लड़की का तो दिमाग ही नहीं मिलता। हाँ पता नहीं क्या हो गया समन को, पहले तो वो फिर भी मेरी बात सुन लेती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं सुनती। सब मेरा कसूर है ना, मैं उसे भांत भांत की सहेलियां बनाने देती ना ये दिन देखना पड़ता। वो तो अमीर जादियां हैं, उनके नखरे उठाने वाले तो सौ हैं, हमारे नखरे देखने वाला कौन है भला। मैं सोच रही हूँ अम्मी, अगर आप खाला और फैसल से बात करें शायद वो दोनों समझा दें उसे। मेरी तुम्हारी सुनती नहीं है, वो आपा की और फैसल की सुनेगी। बस मैं तो उसके लिए दुआएं करती रहती हूँ बेटा, अल्लाह उसे हिदायत दे। अच्छा ना, आप ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे तसल्लियां देने से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या यार, सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे तुम? क्यों ढूंढ रही हो तुम मुझे? दस्त था सहरा था तन्हाई बस हैरानी थी, ओ बेवफाई थी मुसलसल जो मेरे साथ हुई। और मुझे मात हुई।